को क्या निकाल लेना, क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले ए बी सी है, तीन पार्टनर है, छः चार पाँच में बांट रहा है। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल किसका दिया है? सी का कैपिटल का, तो ऐसे काम नहीं है क्या? बी रिटायर हो रहा है, उसके बाद ए और बी का रेशियो कितना है? 11:4। बी रिटायर हो रहा है ना, तो ए और क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ए और सी का हम लोग कितना हो जाएगा? 11:4। अब सुनो, सबसे पहले जब भी न्यू रेशियो दिया रहेगा ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या होता है गेनिंग रेशियो फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड, कौन कौन बचा? ए और सी, तो 6 4 10 और 5 15 माइनस, ठीक है ना, न्यू रेशियो होगा ना यहाँ। न्यू रेशियो है कितना? 11 और 4 माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना है? बात दोनों 15 15 है, तो 11 में डैड माइनस कर दो जब ऐसा है तो ना। चलो शॉर्टकट नहीं मारते हैं, 11 में माइनस 6 5/15, ठीक है। और हाँ, तो ये तो सैक्रिफाइस गेन हुआ ना, जब गेन का फॉर्मूला लगाया है ना हम लोग, जो तुम कंफ्यूज हो गए, क्या कंफ्यूज हो गए? सैक्रिफाइस बराबर होता तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाए? न्यू रेशियो माइनस, अब माइनस आएगा तो इसका गेनिंग का उल्टा सेक्रीफाइस होगा। फॉर्मूला देखो ना, ये कितना है? 4/ माइनस ऑल रेशियो कितना है? देखो ये माइनस में आ रहा है ना, ये सेक्रीफाइस होगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूला पलट गया है। नहीं समझे? तुम एडमिशन में चल गए कि एडमिशन में माइनस में आता था तो गेन कहलाता था, लेकिन वहाँ फॉर्मूला क्या रहता था? सेक्रीफाइस रेशियो ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो रहता था, ठीक है। तो देखो अब हम मेन इसमें हम लोग क्या समझना चाहते हैं कि हमेशा सेक्रीफाइस आता था तो हम लोग गुडविल को क्या करते थे? शेयर निकालते थे और बांट देते थे, है ना। लेकिन अब क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ नहीं करना, और आसान क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्या वैसे लिखते थे बताओ? तो जनरल एंट्री हम लोग क्या करते थे? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कौन बचा? ए और सी। लेकिन सी क्या हो गया? सेक्रीफाइस हो गया ना, सब सी क्रेडिट होगा। जो सेक्रीफाइस होता है ना, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है? देने वाला, गिवर। और ये हो गया गेनिंग, तो ए डेबिट हो गया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो ऐसे यहाँ बी भी होता, सी भी होता, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक्रीफाइस कर गया ना, तो दोनों सेक्रीफाइस कर गया। कौन कौन? एक तो बी तो जा ही रहा था, बी तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा था, और सी भी सेक्रीफाइस हुआ। कैपिटल लिखना है तो लिख देना। अब समझो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबका शेयर में बांट दो, सिर्फ कितना में? 1,80,000। देखो ध्यान से, हम बोल के कर दे रहे हैं, 1,80,000 इंटू 5/, तो 1,80,000 इंटू 5/15, 60,000 हो गया। बी का कितना है? देखो कितना छोड़ के जा रहा है, ये वाला है ना, 4/b, कितना हो जाएगा? 1,80,000 इंटू 4/15, 48,000 कितना होगा? फिर इसका 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15, 12। ऑटोमेटिक देखना ही बराबर हो जाएगा एग्जाम में ना, ऑटोमेटिक देखना। देखो दोनों बराबर हो गया, तो फिर से समझो दोबारा क्या करना है। जब भी एडमिशन में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे कि जब भी सेक्रीफाइस और गेन एक साथ आ जाएगा तो सब काम टोटल गुडविल पर होगा। अगर नहीं रहता ना तभी हम लोग निकालते, अगर अभी नहीं रहता ना तो हम लोग अभी क्या करते? निकालते। और सब काम इसी पर करेंगे, रेशियो पर काम होगा, इस पर काम होगा, और इस पर काम होगा, बस। और टोटल से निकाल के हम लोग लिखेंगे।